भारत को अपना पहला सुपर हीरो आज से बहुत साल पहले 1997 में ही मिल गया था, जब दूरदर्शन पर शक्तिमान शुरू हुआ। जी, वही शक्तिमान जिसने उस जमाने में हर बच्चे को अपना फैन बना लिया था। मैं भी शक्तिमान का बहुत बड़ा फैन था, लेकिन इस शक्तिमान की एक खास बात यह थी कि जितना जोरदार इसका हीरो था, उससे कहीं ज्यादा खूंखार इस शो का विलन था। जी, तमराज किल्विश। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तमराज किल्विश का किरदार किसने निभाया था? हम आपको यही बताने वाले हैं। ये किरदार निभाया था सुरेंद्र पाल ने, जिन्होंने पहले महाभारत में गुरु द्रोण की भूमिका निभाई थी। शक्तिमान सीरियल की खास बात यही थी कि उसमें हीरो तो दमदार था ही, उसका विलन भी जोरदार था। सिर्फ जोरदार ही नहीं, बल्कि एक एलियन था जो उस समय किसी ने भी टीवी पर नहीं देखा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शक्तिमान के सबसे बड़े दुश्मन तमराज किल्विश की, जिसने उस जमाने में न जाने कितनी बार हमारे फेवरेट सुपर हीरो को मारने की कोशिश की थी। किल्विश का किरदार सुरेंद्र पाल ने निभाया था, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सुरेंद्र पाल तमराज किल्विश के किरदार के लिए पहली पसंद नहीं थे। दरअसल में शक्तिमान यानी कि मुकेश खन्ना चाहते थे कि किल्विश का किरदार सिर्फ एक ही कलाकार प्ले कर सकता था, वो थे अमरीश पुरी। मुकेश खन्ना को लगता था कि इस किरदार में सिर्फ वही फिट बैठेंगे। उन्होंने ये बात सुरेंद्र पाल को भी बताई, लेकिन सुरेंद्र पाल मुकेश खन्ना की बात से दुखी नहीं हुए, बल्कि उन्होंने आत्मविश्वास से कहा कि आप किसी और को मौका तो दीजिए। खुद सुरेंद्र पाल अपने एक पुराने इंटरव्यू में बताते हैं कि मुकेश खन्ना ने उन्हें स्टार वॉर्स दिखाई थी और उस फिल्म में दिखाए विलेन जैसा उनको बनने को कहा था। अब सुरेंद्र पाल किसी और को कॉपी करें, ये उन्हें कतई मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने किल्विश के किरदार को खुद ही गढ़ा है। किल्विश के कपड़े से लेकर लुक तक सब कुछ सुरेंद्र पाल ने खुद ही तैयार किया। उन्होंने किल्विश को छोटे पर्दे पर जीवंत कर दिया, ऐसी एक्टिंग की कि लोगों को सच में उनसे नफरत होने लगी। सुरेंद्र पाल बताते हैं कि किल्विश को स्क्रीन पर देखने में जितना मजा आता था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल उसकी तैयारी करने में होती थी। सुरेंद्र पाल ने इंटरव्यू में बताया कि उन्हें शक्तिमान सीरियल की बस यही बात बुरी लगती थी। उनके मुताबिक किल्विश बनने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी थी, नाखून बढ़ाने से लेकर कपड़ों के जरिए वजन बढ़ाने तक उन्हें हर वो हथकंडा अपनाना पड़ा जिससे वो एक एलियन लग सके। सुरेंद्र पाल का ये निगेटिव किरदार आज भी दर्शकों को डराता है, आज भी उनकी एक्टिंग देख लोग उनसे खौफ खाते हैं। उनकी और शक्तिमान की हर लड़ाई लोगों के मन में आज भी ताजा है। ऐसे में जैसे शक्तिमान के रूप में मुकेश खन्ना अमर हुए, वैसे ही किल्विश के रूप में सुरेंद्र पाल ने भी यही कारनामा किया। अब जब लॉकडाउन के इस दौर में दूरदर्शन पर इन टीवी सीरियल्स की वापसी हुई है, तो हम फिर से अपने बचपन में खोते जा रहे हैं। मेरा नाम है उत्कर्ष, कैमरे के पीछे थे श्याम पटेल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।